फ्रेंड्स नेक्स्ट के बारे में हम फटाफट आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट छोटे से वीडियो में कंपाइल कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो दोनों को देना, चाहे वो आईएमजी हो चाहे एफएमजी, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, ये कॉमन एग्जाम होगा लाइसेंस पाने के लिए इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए। नेक्स्ट वन आपका होगा वंस योर एमबीबीएस इज कंप्लीटेड, आप दोनों को नेक्स्ट वन देना होगा। नेक्स्ट वन में 6 सब्जेक्ट है जिसमें आपको 50% टाइम में 50% लाना है और निगेटिव मार्किंग है, बट दैट इज 1/4 यानी 4 गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर आपके कटेंगे, सही क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा। एक दिन में आपको 180 क्वेश्चन के पेपर करने हैं, पहले स्लॉट में 120, दूसरे स्लॉट में 60, इस तरह से करके 3 दिन पेपर चलेगा। टोटल 540 क्वेश्चन होंगे, यानी 540 नंबर के आपको 6 सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है। नेक्स्ट में अगर आप फेल होते हैं तो क्या होगा, देखिए इसमें आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो वो सब्जेक्ट आप 6 महीने बाद दोबारा दे सकते हैं, आपको पूरा पेपर देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि नेक्स्ट वन करने के बाद जो नेक्स्ट हुआ वो सिर्फ प्रैक्टिकल बेस होगा, जिसमें पास और फेल का आपको मार्किंग कर दी जाएगी, इसमें कोई परसेंटाइल या परसेंटेज का माना नहीं है। पर एक नेक्स्ट का स्कोर वो 5 साल तक वैलिड माना जाता है, क्योंकि उसी के परसेंटाइल के हिसाब से आपको पीजी सीट अलॉट की जाएंगी। इसके अलावा मैंने आपको सारी बता दी कि 2 इंटर्नशिप आपको साल में मिलेंगी, 1 जनवरी में 1 जुलाई में, यानी इंटर्नशिप करने के मौके आपको 2 मिलेंगे। नेक्स्ट वो आपका जून में होगा या दिसंबर में होगा।